The Chief of Staff, Northern Command. The tour visited educational institutes like Lady Harding Medical College Museum and National War Memorial. The tour also was filled with fun and frolic as the tour visited the set of Aapki Adalat also. The tour was a very enlightening trip for all the students. My name is Rafia Yasin. बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले चार महीने से यहाँ के हालात क्या रहे हैं, उस सब की वजह से हम मेंटली स्ट्रेस रहे. हमारा जो एजुकेशन था वो पूरा बैठ गया. या हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इन चार महीनों में इंडिया से बाहर, कश्मीर से बाहर, वैली से बाहर हो क्या रहा था, कैसे, मतलब क्या क्या नई इन्वेंशन हो रही थी, क्या क्या नया आया था मार्केट में, या क्या क्या नया हो रहा था एजुकेशन में, क्या क्या अपग्रेड्स आ गई, सब कुछ इन सब से हम बेखबर थे, कुछ पता नहीं चल रही थी. इस टूर की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला. हम बहुत जगहों पे गए, बहुत सारे ये हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गए. हम वाइस प्रेसिडेंट से मिले, हम पार्लियामेंट हाउस गए, हम चीफ आर्मी की चीफ मिस मधुरिमा मैम से मिले, बहुत अच्छा लगा. हम मेडिकल कॉलेजेस गए, लेडी हार्डन मेडिकल कॉलेज हम गए, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. कि हमें ये सबसे ज्यादा बड़ी बात जो हमें सीखने को मिली कि गर्ल्स किसी से कम नहीं है. आजकल कश्मीर में क्या हर जगह पे गर्ल्स को डोमिनेट किया जाता है कि गर्ल्स लिमिट में रहे, गर्ल्स की इतनी लिमिटेशन है, ये है, वो है, बाउंड्रीज है. सो इस टूर की वजह से हमें हम इंस्पायर हुए. गर्ल्स के अंदर वो मोटिवेशन पावर आया कि गर्ल्स भी कुछ किसी से कम नहीं है, गर्ल्स भी कुछ कर सकती है. सो थैंक यू सो मच इस टूर की वजह से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हम उनको शुक्रिया करना चाहते हैं कि इस टूर की वजह से हमें बहुत कुछ सीखा. उन बच्चों के लिए मैसेज है कि जो भी आप लोगों के दिमाग में है या जो भी नेगेटिव थिंकर्स है, आप लोगों को बोलते हैं कि आर्मी सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, कश्मीर से बाहर निकलना सेफ नहीं है, मैं उन सारी गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ कि हर जगह पे आप सेफ हो. आपकी सेफ्टी आप लोगों को खुद तक है. सो मैं आगे उनको अपनी तरफ से इंस्पायरेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग आओ इस टूर में, आप लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोगों को भी बहुत कुछ मिलेगा. देखिए, स्ट्रेस नॉट ओनली फॉर कश्मीर, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस एक अहम हिस्सा है. उसको हम छोटे छोटे तरीकों से कैसे कम कर सकते हैं, जैसे अभी आपने ये बच्चियों के चेहरे पे खुशी देखी, खुशहाली देखी, कितना मुस्कुरा रहे थे. ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक छोटा सा एक्ट है. अगर हम 30 बच्चियों के चेहरे पे भी अगर 10 मिनट के लिए भी खुशी या खुशहाली ला सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. वी ऑल मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू सच थिंग्स इन द सोसाइटी. That's how we can make society more happy, more cheerful. And I wish these girls who have just come back from a tour, they have visited Lady Harding Medical College, they have visited Miranda House, they have visited Parliament of India, in addition to, of course, Agra, Taj Mahal and all. They also visited the Science Museum, the Rail Museum, such educational institutions of repute. I'm very sure they are motivated. When I was talking to them and the parents, they actually felt very nice and happy. And these girls can aspire to join those institutions or even better institutions. I wish them all the very best. I wish them luck. And as I say always, Kashmir, the girl child has a place in Kashmiri society. And these are the future pillars of the Kashmiri society who will bind the family together, who would bind the society together, and they are the ones who would guide the youth of future and themselves also. I wish them all the very best and wish them good luck. My name is Nishita. So how was the tour? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सबको पता है कि 4.5 महीने से कश्मीर में सब कुछ बंद है, इंटरनेट भी बंद है. तो आर्मी के इस टूर के थ्रू हम बाहर जाए, बहुत सारी प्लेसेस विजिट किए, तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो गया, हम बहुत रिलैक्स हो गए. तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स के लिए. और इसका टूर था, हम बहुत सारी जगहों पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब स्टूडेंट्स को बहुत स्टूडेंट्स इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको स्टडीज़ में इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन इंटरनेट 4.5 महीने से कश्मीर में बंद है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि मतलब वो अपनी पढ़ाई में कैसे, मतलब कैसे आगे बढ़े. तो बाहर जाके मुझे लगता है कि इस आर्मी के टूर के थ्रू, मतलब अगर वो बाहर जाएंगे तो मतलब वो इनकी हेल्प हो सकती है उनकी स्टडीज़ में. तो यहाँ के स्टूडेंट्स देना चाहूँगी कि यू आर टोटली सेफ. एंड हम 10 दिन हमने वहाँ पे गुजारे, हम पूरे सेफ हैं. एंड मतलब हम अच्छे से रहे वहाँ पे, बहुत सारी प्लेसेस विजिट की. तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि डोंट फील शाई एंड डोंट फील दैट यू आर अनसेफ, जस्ट गो एंड लिव योर लाइफ. हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाके. अगर फिर कभी, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, आई थिंक आई विल कम. बार जाके मतलब हमें लगा कि कश्मीर से आगे भी कुछ